प्यार आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। जरा गौर से देखिए पूरे मुल्क को, हर इंसान की आंखों में कोरोना का खौफ साफ साफ नजर आ रहा है। देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन करके फिलहाल इस लाइलाज बीमारी पर कुछ रोकथाम लगाई, लेकिन फिर भी मामले थम नहीं रहे हैं। अब इसी मसले पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में पीएम मोदी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ लॉकडाउन पर आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये रही कि इस बैठक में केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन शामिल नहीं हुए हैं। वैसे केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन की तरफ से राज्य के चीफ सेक्रेटरी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन किसी के भी गले ये बात नहीं उतर रही कि आखिर खुद सीएम इस बैठक में क्यों शामिल नहीं हुए। अब जब इस बात को लेकर कई तरह के सवाल उठे तो केरल मुख्यमंत्री के कार्यालय की ओर से सफाई पेश की गई है। बयान में कहा गया कि हमें कहा गया था कि पिछली दो बैठकें काफी अहम हैं, क्योंकि कोरोना को रोकने के लिए विचार करना है, लेकिन इस बार हमें कहा गया कि नॉर्थ ईस्ट और अन्य राज्यों पर फोकस रहने वाला है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने साथ ही कहा कि इसलिए केरल के मुख्यमंत्री का बैठक में हिस्सा लेना अनिवार्य नहीं था। यहां आपको बताते चलें कि केरल में बीते कुछ दिनों में कोरोना वायरस के मामलों में काफी कमी आई है। केरल में अब तक स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार करीब 458 कोरोना वायरस के मामले सामने आए, जिसमें 300 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं इस वायरस से इस राज्य में अब तक कुल 4 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल यही कहा जा सकता है कि अगर केरल के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल होते तो कई सारी अहम जानकारियां बाकी राज्यों के साथ साझा कर सकते थे, क्योंकि पूरे देश के सीएम और खुद पीएम एक मंच पर थे। धन्यवाद।